हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज नंबर वन प्लेटफॉर्म अनकेडमी मेडिकेशन। आप सभी का वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। मैं चाहूंगा कि सभी लोग हमारे साथ जुड़े और आज के सेशन को शानदार तरीके से शेयर कर दें। कहा जाता है ना कि जिंदगी में जब चीज होता है वो होता अच्छे के लिए है लेकिन लगता बुरा है। बट हम इंसान जो है ना, कभी कभी हमारे साथ जो होता है वो लगता हमारे साथ गलत हो रहा है। मेरे भाई, साफ रास्ते पे बाइक चलाना सभी को आता है। मजा तो तब है ना जब रोड खराब हो और बुलाया जाए कि भाई ड्राइवर किधर है, तू संभाल। तो जीवन में जब तकलीफें आती है, मुश्किलें आती है, समस्याएं आती है, तो कहीं ना कहीं आपको मजबूत करने के लिए आती है। आइए बच्चों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्री पोजिशन के बारे में। अनअकैडमी पे मैं धर्मेंद्र यादव आप सभी का वेलकम करता हूं। इस स्पीशियस कैटेगरी में आपको बता दें बच्चों, यहाँ पे एक टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से कवर करने वाला हूं मैं। आप लोग सभी लोग अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े एक बार सब लोग जुड़ जाएं और आज के क्लास को यादगार क्लास बना सके। तो क्या आप लोगों की मेरी आवाज आ रही है? एक बार थम्स अप दिखा दो बच्चे और बोल दो यस सर, आपकी आवाज बिल्कुल नीट एंड क्लियर आ रही है। तो शुरू करते हैं क्लास जल्दी जल्दी से, फटाफट फटाफट एक बार कमेंट में बता दो कि इस पहले सवाल में मेरे प्यारे बच्चों किस पार्ट में एरर है। ठीक है, पहले सवाल में किस पार्ट में एरर है? तो पहला सवाल आपके बीच में जो आया है प्यारे बच्चे, यहां पे शानदार तरीके से हम बात करेंगे कि पहले सवाल में लिखा है Nobody can deny that Gandhi's ideas are different than Lenin's। अब बताओ बच्चों, यहां पे सवाल में कहां पे एरर लग रहा है? क्योंकि आपको पता है कि ये टॉपिक जो है प्रीपोजिशन का है, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, डिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज किया जाता है, यानी करेक्ट आंसर जो होगा बेटा आपका वो सी होगा बच्चे। और सी वाले पार्ट में क्या लगाएंगे? जहां पे देन लगा है वहां पे आपको फ्रॉम लगा देना है। क्या लगा देना है? फ्रॉम का यूज कर देना है। तो आपके मन में एक सवाल और चल रहा होगा कि सर कहां कहां पे फ्रॉम लगाते हैं, तो लिख सकते हैं आप लोग नोट करके कि कभी भी पेपर में ये कंफ्यूजन हो कि फ्रॉम का यूज कहां पे करते हैं, तो लिखिएगा फ्रॉम का यूज हम लोग कहां पे करते हैं। प्रॉपर तरीके से नोट बना के अच्छे तरीके से और लिखते चलिए मेरे साथ में। ध्यान देना बेटा, नोट्स बिल्कुल प्रॉपर बनाना, सेपरेट के साथ। ध्यान देना बच्चों, यहां पे सेपरेट के साथ हमेशा फ्रॉम लगाते हैं बच्चों। वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, ध्यान देना बेटा, डिफरेंट के साथ भी हमेशा फ्रॉम लगाते हैं बच्चे। और कभी भी लिखा बेटा पार्ट, क्या लिखा बेटा बोलो? पार्ट के साथ हमेशा फ्रॉम लगाते हैं बच्चे यहां पे। और फाल्ट के साथ हमेशा फ्रॉम लगाते हैं बच्चे यहां पे। अलुफ का मतलब होता है बेटा अलग होना, अलुफ का मतलब होता है अलग होना, सेपरेट का मतलब अलग होना। एक होता है बेटा रिफ्रेन, बच्चे आपने नाम सुना होगा, रिफ्रेन के साथ भी फ्रॉम लगाते हैं बेटा। एक होता है मेरे प्यारे बच्चे अब्सटेन, ध्यान देना बेटा अब्सटेन के साथ भी हम लोग फ्रॉम लगाते हैं। तो फ्रॉम का यूज हम लोग कहां कहां पे करते हैं आप लोगों को मैंने बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से कवर किया है। तो एक बार जल्दी से बता दो बच्चों आप लोगों को, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? तो यस, आवाज आ रही है। विवेक बाबू जुड़ चुके हमारे साथ। अगला सवाल विवेक जल्दी से बताना बेटा, सेकेंड सवाल में क्या होगा जवाब? एक बार सब लोग चेक करो बच्चे। He was very much engaged in his work when the thieves entered into his house. एक बात बताओ बेटा यहाँ पे, and took away a lot of things. अच्छा, वो बहुत ज्यादा engaged था कहाँ पे भाई? अपने काम में। कब? जब चोर प्रवेश किए उसके कमरे में। आप बताओ बेटा यहाँ पे, जब चोर प्रवेश किए उसके कमरे में तो बहुत ज्यादा बिजी था, तो इसीलिए बच्चे यहाँ पे जो चोर थे took away a lot of things, बच्चे यहाँ पे बहुत सारी चीजें वो लेकर चले गए। तो टुक अवे, टेक अवे का मतलब होता है लेके भाग जाना बच्चे यहां पे। तो आंसर बच्चे अगर देखा जाए ना सच में, तो नो ही एरर होगा इस सवाल में, कोई भी एरर नहीं होगा। अच्छा बच्चे मेरे, वाइल सी वाज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज, जब वो कॉलेज से वापस आ रही थी, है ना, जब वो कॉलेज से वापस आ रही थी, तो लिखा है अ रफिन अटैक ऑन हर विद अ टाइगर। एक बात बता बच्चों, उसके डैगर्स पे क्या कर दिया? अटैक कर दिया। अब सवाल में ये पूछा गया कि बताओ बेटा अटैक के साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगा? आप लोगों से, जनता से, दुनिया से जानना चाहते हैं, बताओ मेरे प्यारे बच्चों अटैक के साथ बताओ बेटा ऑन लगेगा क्या? तो कहोगे नहीं सर नहीं लगेगा। तो अटैक के साथ बच्चों कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। लेकिन कब नहीं लगता है इस बात को समझना, जब अटैक का यूज बेटा वर्ब के रूप में हो, यह भी ध्यान रखना बच्चे, जब अटैक का यूज बेटा वर्ब के रूप में हो
तोप नहीं लगता है, लेकिन जब अटैक का यूज बेटा नाउन के रूप में होगा ना, किस रूप में, नाउन के रूप में, तो ऑन का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। बट वर्ब के रूप में होगा तो ऑन का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ये याद रखना बच्चों। आप कहोगे सर ये वर्ब का काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है बेटा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो इसलिए ऑन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही सवाल इस तरह से दिया होता, जैसे दे देता आर्टिकल द और बेटा लिख देता बच्चे यहां पे द अटैक, बात समझना बच्चे यहां पे, द अटैक डैश इंडिया। अच्छा बच्चों बताओ अगर ऐसा सवाल आता बेटा तो आप लोग ईमानदारी से बताओ बच्चों अटैक जो है यहां पे नाउन का काम कर रहा है बेटा, बोलो हाँ या ना, तब हम लोग बच्चे यहां पे ऑन का यूज हम लोग कर सकते थे, अटैक ऑन लगा सकते थे, तब यहां पे हमें कोई एरर देखने को नहीं मिलता। ध्यान रखना इस बात को, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों इज इट क्लियर। तो अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वॉज कॉज्ड बाई अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट वर वंस फैसिनेटिंग टू हिम। डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वॉज, अच्छा बच्चों डिक्लाइन के साथ क्या लगाते हैं, याद रखना बच्चों द डिक्लाइन ऑफ, अब एक बात बताओ बच्चे क्या लगाएंगे, द डिक्लाइन के साथ कुछ लगेगा क्या, डिक्लाइन इन, द डिक्लाइन, डिक्लाइन के साथ क्या लगेगा ये बताना आपको, डिक्लाइन ऑफ होता है कि नहीं होता है, डिक्लाइन इन होता है, क्या होता है बच्चों, कॉज्ड बाय, बच्चे यहां पे कॉज्ड बाय, वाज कॉज्ड बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, अच्छा बच्चों बताओ यहां पे कॉज्ड बाय होता है क्या, जल्दी से बताओ, शानदार सवाल है, अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट वर वंस फैसिनेटेड टू हिम, शानदार सवाल है, इस सवाल का जवाब देना, बहुत ही प्यारा सवाल छोटे छोटे कदमों के साथ, डिक्लाइन ऑफ नहीं होता बच्चों, डिक्लाइन के साथ है ना इन लगता है, डिक्लाइन इन होता है, ध्यान रखना है। टू ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन मी ऑन यस्टरडे व्हेन आई वाज अवे फ्रॉम होम, ये सवाल का जवाब बताना बच्चे मेरे, क्या लग रहा है आप लोगों को, जरा मुझे बताना बच्चे यहां पे इस पार्ट में कहां पे एरर लग रहा है आप लोगों को, टू ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन मी ऑन यस्टरडे व्हेन आई वाज अवे फ्रॉम होम, नो एरर, जरा देखना यहां पे बच्चों क्या लग रहा है एरर आप लोगों को, बहुत ही प्यारा सवाल है, एक बार चेक करेंगे, टू ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन मी ऑन यस्टरडे, इस पार्ट में कहां है, तो बच्चों कॉल्ड ऑन मी ऑन यस्टरडे, यस्टरडे टुमारो मंडे के पहले कभी प्रीपोजिशन नहीं लगता है, सी पार्ट में एरर करेंगे बच्चे यहां पे, नोट करके लिखना है इस बात को कि कहां कहां पे कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जाता है, ये बात आपको नोट करके लिखना बच्चे यहां पे, तो ध्यान देना बच्चे यहां पे कभी भी पेपर में पूछा जाएगा बच्चे यहां पे यस्टरडे के साथ कोई प्रीपोजिशन लगता है बेटा यहां पे, तो लिख लेना बेटा यहां पे यस्टरडे हो गया बच्चे यहां पे, बेटा यहां पे टुमारो हो गया, और मेरे प्यारे बच्चे यहां पे टुडे हो गया, यस्टरडे टुमारो और टुडे के साथ बच्चों यहां पे नो प्रीपोजिशन शुड बी यूज, नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे, नो प्रीपोजिशन शुड बी यूज्ड, इसके साथ बच्चों कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाए, ये ध्यान रखना आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ठीक है। एक सवाल और है, सिमी टुक मी टू अ होटल एंड ऑर्डर्ड फॉर टू कप्स ऑफ कॉफी, सिमी मुझे एक होटल में ले गई और हमसे कही कि भैया दो कप ऑफ कॉफी को ले लो और पीते हैं कॉफी, विच द वेटर ब्रॉट इन नो टाइम, अब बता बच्चे यहां पे इस पार्ट में क्या होगा बेटा, यहां पे इस सवाल का आंसर बता बच्चे यहां पे क्या होगा, बच्चों सिक्स वाले सवाल का सही आंसर क्या होगा बताओ, सिमी टुक मी टू अ होटल एंड ऑर्डर्ड फॉर टू कप्स ऑफ कॉफी, अच्छा बताओ बेटा यहां पे ऑर्डर का यूज किया गया बेटा यहां पे, क्या ऑर्डर के साथ हम लोग फॉर लगाएंगे बेटा, ऑर्डर का यूज हम लोग किस तरह से कर रहे हैं, वर्ब के रूप में कर रहे हैं, तो जब ऑर्डर का यूज वर्ब के रूप में होगा तो इसके साथ फॉर नहीं लगता है, यह ध्यान रखना बेटा, लेकिन ऑर्डर का यूज अगर नाउन के रूप में होगा ना बच्चों तो इसके साथ हम लोग फॉर लगाएंगे, तो लिख लेना बेटा यहां पे ऑर्डर का यूज, क्या बोला बच्चे, ऑर्डर का यूज अगर हम लोग वर्ब के रूप में करेंगे
तो इसके साथ कोई भी प्रिपोजिशन हम लोग नहीं लगाएंगे, यानी फॉर लगाएंगे तो गलत। बट बेटा ऑर्डर का जो यूज होता है मेरे प्यार बच्चे, अगर हम लोग नाउन के रूप में करेंगे ना बेटा, तो इसके साथ हमें फॉर लगाना कंपलसरी माना जाता है, तब ये सही हो जाएगा। तो ऑर्डर फॉर सही है, लेकिन बच्चे यहां पे ऑर्डर के साथ तो फॉर लगाएंगे जब ये वर्ब का काम करेगा तो ये गलत हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना होगा बच्चे, तो यहां से कोई गड़बड़ी ना हो, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। द स्टूडेंट्स कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल। अच्छा बच्चे, जो विद्यार्थी थे उन्होंने कंप्लेन किया। अच्छा कंप्लेन किससे किया बच्चे यहां पे? प्रिंसिपल से किया, अगेंस्ट द वार्डन एंड द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द होटल। अब बता बच्चे यहां पे बच्चों ने कंप्लेन किया टू द प्रिंसिपल से, अगेंस्ट द वार्डन एंड द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द होटल। अब बता बच्चे यहां पे कहां गड़बड़ी है? तो यहां पे जब हम किसी के विरुद्ध कंप्लेन करते हैं ना तो हमेशा अगेंस्ट लगाते हैं। जब हम किसी के विरुद्ध कंप्लेन करते हैं बेटा हमेशा अगेंस्ट लगाते हैं। तो यहां पे बच्चे यहां पे नो एरर आंसर होगा बच्चे, नो एरर। ध्यान रखना है आपको इस बात को, विदाउट कंसिडरिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द इंपोर्टेंट वर्ल्ड, नो एरर। बता बच्चे यहां पे क्या लगे? विदाउट कंसिडरिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द इंपोर्टेंट वर्क। थोड़ा सा चेक करो बच्चे यहां पे इस सवाल में बेटा कहां पे एरर लग रहा है बच्चे, आठवें सवाल में बच्चों बताना हमें, आठवें सवाल में कहां पे एरर लग रहा है और ये जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, बताना हमें। विदाउट कंसिडरिंग फॉर अ मोमेंट द इंटरेस्टेड, ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द इंपोर्टेंट वर्क। Considering, consider for होता है, interested me in all the important work, interested me बता बच्चों कोई गड़बड़ी नहीं है, no error हो जाएगा। Somebody reported to me, कई लोगों ने मुझसे report किया that Suman had fallen in the well, सुमन वेल में गिर गई। अब बता बच्चे यहां पे अगर हम बात करें फॉलन, तो फॉलन के साथ इन नहीं होता बच्चे, यहां पे इनटू होता है। क्या होता है बेटा बोलो? इनटू होता है बच्चे। आंसर हमारा बेटा यहां पे बी पार्ट में हो जाएगा। इन के जगह पर बेटा बच्चों बच्चे बच्चे क्या लगाएंगे? इनटू लगाएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा बेटा। अब आजा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी से बेटा क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर बताना बेटा यहां पे जल्दी से क्या होगा। देर आर सर्टेन एनिमल्स दैट कैन लिव विदाउट एनी एफर्ट बोथ इन वाटर एंड लैंड। अच्छा बता बेटा, पानी के लिए तो इन लगा है लेकिन लैंड के लिए तो ऑन लगेगा ना, आंसर क्या हो जाएगा? डी। भाई पानी में तैरता आदमी और जमीन पर होगा ना, तो पर की इंग्लिश क्या हो जाएगी बच्चे? यहां पर ऑन हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना बेटा, यहां से आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर क्वेश्चन बच्चे यहां पे, एक और सवाल आपके बीच में, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जरा हमें बताना आप लोग बेटा यहां पे क्या लगेगा। द प्लान वॉज टू गो फॉर द सिनेमा बट ओनिंग टू सर्टेन हिंड्रेंस इट फेल्ड, नो एरर। अब बता बच्चे यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हमारा क्या लग रहा है? Owing to certain hindrances, it failed. तो यहां पे टू के एज कैसे कर लोगे मेरे भाई? यहां पे तो टू के एज नहीं होगा ना बच्चे यहां पे, तो ध्यान रखना इस बात को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, लिखा है द एंग्री बोटमैन थ्रू द क्रैक्ट ओर इनटू द रिवर एंड रिटर्न्ड होम, नो एरर। अब यहां पे बता बच्चे यहां पे इस पार्ट में हम कहां पे एरर कर दें? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर में बताना बच्चे यहां पे द एंग्री बोटमैन थ्रू द क्रैक और इनटू द रिवर। तो बच्चे यहां पे अगर हम बात करें यहां पे नॉन लिविंग है,
तो नॉन लिविंग के लिए बच्चे यहां पे इनटू नहीं लगेगा, इन लगेगा, इन का यूज करते हैं नॉन लिविंग के लिए। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक पेन जो है पानी में फेंका, तो आई थ्रू अ पेन इनटू द पेन, नहीं इनटू द रिवर नहीं बोलेंगे, इन द रिवर बोलेंगे, ध्यान रखना। माय फ्रेंड्स प्रपोज्ड मी दैट वी शुड गो टू द मूवीज एंड देन हैव डिनर अ होटल एट अ होटल। अब बताओ बच्चे यहां पे 13 वाले सवाल का जवाब क्या लग रहा है आप लोगों को, जरा एक बार हमें बताना बच्चे यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या लग रहा है, एक बार सोचो जरा और हमें बता बच्चे यहां पे 13 वाले सवाल का आंसर क्या लग रहा है। माय फ्रेंड प्रपोज्ड मी, मेरे दोस्तों ने प्रपोज्ड किया दैट वी शुड गो टू द मूवी, गो टू द मूवी बच्चो एंड देन हैव डिनर एट अ होटल। अब बता बच्चे यहां पे क्या लगाएंगे, डिनर एट अ होटल होगा कि इन अ होटल होगा बच्चे यहां पे, एक होटल में, नहीं 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 यहां पे कोई गड़बड़ी नहीं, यहां पे कोई गड़बड़ी नहीं बेटे, इसमें बता दूंगा आपको कहां पे रह रहे, इसको नोट कर लेना बच्चे यहां पे, मैं आपको बताता हूं यहां पे कहां पे रह रहे बेटा, देखो यहां पे प्रपोज टू मी हो जाएगा। माय फ्रेंड्स प्रपोज टू मी, अब कर ऑब्जेक्ट दिया है ना, तो यहां पे प्रपोज के साथ सजेस्ट के साथ टू लगाना कंपलसरी है, प्रपोज के साथ और सजेस्ट के साथ बच्चों टू लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात को आपको याद रखना होगा बच्चों, वरना ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना बच्चे यहां पे प्रपोज के साथ टू लगाना जरूरी था, सजेस्टेड टू लगाना जरूरी था बेटा जब कभी भी ऑब्जेक्ट दिया हो। ए पार्ट में एरर करोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ बच्चे यहां पर जल्दी से क्या होगा, सी बिकेम एबल टू फ्री हर सेल्फ विद हर डिबेट बाई वर्किंग डे एंड नाइट, नो एरर। तो फ्री हर सेल्फ विद हर डिबेट बाय वर्किंग डे एंड नाइट, तो बच्चों फ्री हर सेल्फ, तो फ्री के साथ बच्चे यहां पे हमेशा फ्रॉम लगाते हैं बच्चे यहां पे, फ्री के साथ विद नहीं लगाएंगे बेटा, फ्री के साथ फ्रॉम लगाएंगे, ध्यान रखना बच्चे यहां पे एरर जो होगा हमारा बेटा यहां पे सी पार्ट में एरर कर दोगे। पंद्रह वाले सवाल का आंसर बताओ बच्चे यहां पे क्या होगा, My brother said that he preferred the white shirt than the black one, which I usually wore. My brother said that, मेरे भाई ने बोला कि he preferred the white shirt, उसको सफेद शर्ट पसंद है, than the black one, black के कंपेयर में। तो prefer के साथ बच्चे यहाँ पे क्या लगाते हैं बेटा, टू लगाते हैं, than के यूज थोड़ी नहीं करते बेटा, सी पार्ट मिरर करेंगे बच्चे यहाँ पे, than की जगह पे बताओ बेटा क्या लगा लेंगे, टू लगा लेंगे। सोलह वाले का आंसर बताओ बच्चे यहां पे जल्दी से क्या होगा, He always insist that he preferred to go home, stay anywhere at night, no error. He always insisted that he preferred to go home, stay anywhere at night. तो insist on होता बच्चे यहां पे, insist के साथ हमेशा क्या लगाते बच्चे, on लगाते, ये ध्यान रखना आप लोगों को। और एक और सवाल देखेंगे बच्चे 17 वाले सवाल में, बहुत ही प्यारा सवाल है और ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। अ ग्लिम्पसेस टू द रिलीजियस साइड ऑफ हिज नेचर अपीयर इन मेजोरिटी ऑफ की 132nd। ग्लिम्प्स टू नहीं होता बच्चे यहां पे, ग्लिम्प्स ऑफ होता बच्चे यहां पे, ए मिरर हो जाएगा। एक और सवाल देखेंगे आप लोग, हार्डली से कोई चीज शुरू हुआ है, तो हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से या कठिनाई से। हार्डली हैड वी सेटल डाउन फॉर द नाइट रेस्ट, भैया बहुत ही मुश्किल से हम लोग नाइट रेस्ट के लिए सेटल हुए,
When we were started by the loud noise being made outside the house. अब बता बच्चे यहां पे किस पार्ट में एरर लग रहा है, एक बार चेक करना है। Hardly had we settled down, बहुत ही मुश्किल से hardly दिया बच्चे यहां पे, hardly had we settled down for the night rest, बहुत ही मुश्किल से बच्चों हम लोग night rest के लिए settle हुए। When we were started by the loud noise being made outside the house, तो made outside the house, hardly had we settled down for, तो settle down नहीं होता, settle in होता बच्चे यहां पे, settle down थोड़ी नहीं होता, settle in होता, कहीं पे भी अपने आप को सेटल कर लेने को ना सेटल इन कहते हैं, सेटल डाउन थोड़ी नहीं कहते। उन्नीस वाले सवाल का आंसर बताओ बच्चे क्या लगेगा। देयर अपीयर्स टू बी वेरी लिटिल लेसन अमंग द टू विंग्स ऑफ द पार्टी, नो एरर। अब बताओ बच्चे यहां पे 19 वाले सवाल का आंसर क्या लग रहा है। अब बता बच्चे यहां पे कितने लोगों की बात हो रही है, बच्चे यहां पे कितने लोगों की बात हो रही है जरा हमें चेक करके बताना बेटा। There appears to be very little license among the two. तो दो लोगों के लिए बच्चों among का यूज नहीं करते बेटा, दो लोगों के लिए हमेशा between का यूज करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए जल्दी से। सेडिमेंट्री रॉक्स लार्जली कंप्राइज ऑफ मिनट फ्रैगमेंट्स ड्राइव्ड फ्रॉम द डिस्टिंग्रेशन ऑफ एक्सटिंग्विश रॉक, नो एरर। कहां पर लग रहे बच्चे बताइए। अच्छा बता बेटा कंप्राइज के साथ क्या लगाते हैं बेटा, कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ लगाते हैं नहीं लगाते हैं। इसका एक रूल होता है बच्चों कंसिस्ट ऑफ होता है बट कभी भी कंप्राइज ऑफ नहीं होता है, ध्यान रखना बच्चों यहां पे कंसिस्ट ऑफ होता है बेटा बट कभी भी कंप्राइज ऑफ नहीं होता है, इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा यहां पे, हमेशा यह ध्यान रखना बच्चे यहां पे। इसका एक खास रूल है, खास बात है, मैं आपको बता दूं यहां पर नोट करिएगा। कंप्राइज के साथ बेटा कभी भी ऑफ नहीं लगाते बेटा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना बच्चे यहां पे कंसिस्ट ऑफ होता बच्चे यहां पे, कंसिस्ट में ऑफ लगाते हैं बच्चे, कभी भी कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाया जाता, ये ध्यान रखना आप लोगों। अगला सवाल और बताना मेरे प्यारे बच्चे यहां पे कहां पे एरर है जल्दी से, शानदार सवाल है।
फाउंड यहां दिए बच्चे, यहां पे गिल्टी के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पे ऑन मर्डर गिल्टी ऑफ होता है बच्चे, यहां पे गिल्टी ऑन नहीं होता है, गिल्टी ऑफ मर्डर होता है बच्चे, यहां पे बी पार्ट में करेंगे बेटा। बी पार्ट में करेंगे। टुडे ही रिवील्ड द फैक्ट दैट ही वॉज एंग्री ऑन मी बिकॉज हैड नॉट हेल्प्ड हिम नो एरर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताओ बच्चे, यहां पे क्या लग रहा है, यहां पे टुडे ही रिवील्ड द फैक्ट दैट ही वॉज एंग्री ऑन। अच्छा बताओ बच्चे, यहाँ पे जब कोई व्यक्ति से कोई नाराज होता है बेटा, तो एंग्री विद होता है कि एंग्री ऑन होता है, बताना बेटा मेरे प्यारे बच्चे, बताना खुद बताना बेटा, एंग्री के साथ क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं बेटा, यहाँ पे ऑन पे हम लोग नहीं करेंगे बेटा, सी पार्ट मेरर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दो बातें बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए बच्चे, और दोनों बातें हमारी क्या क्या हैं, अगर हम लोग बात करेंगे अच्छे तरीके से समझेंगे तो बहुत ही क्लियर और नीट समझ में आ जाएगा बेटा। तो तुझसे नाराज, नोट करना बच्चे यहां, कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, परेशान हूं मैं। तो बेटा एंग्री के साथ एट भी लगता है बच्चों, और एंग्री के साथ विद भी लगता है, एंग्री एट भी लगता है बेटा यहां पे, और बच्चों एंग्री के साथ क्या लगता है बेटा यहां पे, विद भी लगता है। एंग्री एट होता है बच्चों किसी थिंग्स के लिए बेटा यहां पे, और एंग्री विद होता है बच्चा किसी पर्सन के लिए, ठीक है। तो यहां पे ऑन की जगह पे क्या लगाएगा, विद, क्योंकि पर्सन की बात हो रही है, ये बात आपको ध्यान में रख लेना होगा। चलो एक और सवाल, ही लुक्ड अपॉन मी लिव आइट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर ही स्टार्टेड स्पीकिंग नो एरर। ट्वेंटी थ्री का आंसर बता बच्चे क्या होगा, ही लुक्ड अपॉन मी, लुक्ड ऑन मी, लुक्ड अपॉन मी, लुक एट मी, उसने मेरे तरफ देखा, लिव आई फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ समय के लिए अपनी आंखें मेरे ऊपर छोड़ दी, बिफोर ही स्टार्टेड स्पीकिंग, बोलने से पहले। आंसर जो हो जाएगा बच्चे ए हो जाएगा बेटा। द गर्ल सेड दैट द सी प्रिफर द ब्लू गॉन देन द ब्लैक वन। अब बता बच्चे यहाँ पे 24 का आंसर क्या होगा बच्चे यहाँ पे, द गर्ल सेड दैट, लड़की ने कहा कि उसको पसंद है प्रीफर, तो प्रीफर के साथ बच्चों कभी भी दैन का यूज नहीं करते बेटा, हमेशा टू का यूज करते हैं, यहाँ पे सी मेरर होगा बच्चे यहाँ पे। तो प्रीफर के साथ हमेशा टू लगता है, एक बार नोट करके लिख लेना, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, और इसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। तो सब लोग नोट करके लिख लेना बच्चे यहाँ पे, क्या होता है रूल, क्या होता है नियम, जो आप गए हैं भूल, अब हो जाइए कूल और लिखिएगा। प्रिफर हो गया बच्चे यहां पे, एल्डर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर। तो बच्चों यहां पे आपको याद रखना है, टू का यूज कर लेना है, इनके साथ मेरे प्यारे बच्चों हमेशा आपको टू का यूज कर लेना है।
ठीक है बेटा, इनके साथ हमेशा टू का यूज करते हैं बच्चे यहाँ पे, प्रिफर के साथ टू लगता है, एल्डर के साथ टू लगता है, जूनियर के साथ टू लगता है, सीनियर के साथ टू लगता है, सुपीरियर के साथ टू लगता है बच्चे यहाँ पे, ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये पेपर में कई बार आता है बच्चे यहाँ पे, अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। और एक चीज आपको और याद रखना बेटे यहाँ पे कि ओल्डर के साथ देन लगता है ना, और रैदर के साथ देन लगता है, और अदर के साथ देन लगता है। अदर, रैदर और ओल्डर, इनके साथ आपको याद रखना बच्चे यहाँ पे देन का यूज किया जाता है, ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे। अगर आपसे कोई पूछेगा बेटा किसका यूज करेंगे बेटा, तो बता देना देन का यूज करेंगे, है ना। किसका यूज करेंगे बच्चे यहाँ पे, देन का यूज करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए जरा और हमें बता दीजिए बच्चे यहाँ पे इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो बच्चों आज का सेशन छोटा सा था, यहीं पे मैं खत्म करता हूं। और कैसा लगा आज का क्लास एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बताना बच्चे यहाँ पे। सभी लोगों को दिल से थैंक यू, सभी लोगों को बच्चों दिल से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे। मेरा रेफरल कोड है DY Live, आप किसी भी कैटेगरी में अपने दोस्तों से बोलते एडमिशन लेने के लिए कोड यूज करेंगे तो उनको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया, शुभ डे, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।